केंद्र सरकार के खिलाफ कोल माइंस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कोल माइंस के कर्मचारी सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय को लेकर सभी कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। माना जा रहा है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा तो आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है। केंद्र की सरकार जो मजदूर और कर्मचारी विरोधी गति यानी कार्य कर रही है, उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध करता आया है, आज कर रहा है और आगे करता रहेगा। और केवल स्ट्राइक ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अलग अलग, आज हमारा कोल इंडिया में स्ट्राइक चल रहा है, कल हम अन्य संगठन अन्य उद्योगों में भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ रोड पर उतरेंगे। आज मोदी जी के तानाशाही के विरोध में ये हड़ताल में हम लोग खड़े हैं। आज सारे श्रम संघ, यहाँ तक कि आरएसएस का जो बीएमएस संघ है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो लोग भी 100% आज यहाँ का अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो बीएमएस के पदाधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। समझ लीजिए कि मजदूरों के ऊपर कितना बड़ा संकट खड़ा है, इससे अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है। पन्ना जिले में